हाँ जी सात संगत जी, पहला आप सच बारे जाने, परमात्मा बारे जाने, वह भेद लिया। आओ माता पिता की आवाज़ जिसनों नाम कह दिता है वह असी भेद लैना। शब्दों के धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शाया गया है कि गुरु ने कृपा करनी है। जो महाराज के बेनती करेंगे ना, सच्चे पातशाह देहो सज्जन असीसड़िया जो हो वै साहब स्यों मेल महाराज, मेरे तो यही असीस कृपा रूपी हाथ रखो कि मेरा मस जामा मैंने मिलया कि मेरे मूल के नाल मिलाप हो जाए। आप बेनती करी जानियाँ, क्यों सारा खेड़ ही बेनती कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ। क्योंकि बेनती करांगे तो महाराज अग्यों फिर कृपा करे, साढ़े अंदर चा उत्साह पैदा करे मिलन का। माता पिता की आवाज़ जिसनों गुरबाणी में नाम किया है, नाम गुरबाणी जी ज़्यादातर नाम तो शब्द का भेद दिता है। माता पिता की आवाज़ भी किया है, कितने पांच शब्द भी कह दिता है, अनहद शब्द भी कह दिता है, हुण जिस तरह अपना माता पिता सच सानू दिखाई नहीं दे रहा, यह नाम भी सानू दिखाई नहीं दे रहा। इसनू कवाओ भी कहिंदे ने, कवाओ कहिंदे आवाज़, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। जदों माता पिता ने अकाल पुरख वाहिगुरू नू पाया कि मैं एक तो अनेक रूप दे विच, निर्गुण तो सरगुण रूप दे विच, आदृष्ट तो दृष्टमान रूप दे विच खेडण वास्ते खेड बनाउणी है, तो महाराज जी ने सच बोले, गुरशब्दी गोबिंद गजिया तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी। महाराज दे मुख दे विचों आवाज़ प्रगट होई, जिदां साडा असी मुख खोलदे हाँ साडे मुख दे विचों आवाज़ आ रही है। परमात्मा ने अपना मुख खोलिया, वाहिगुरू ने मुख खोलिया, तो वाहिगुरू दे जदों मुख खोलिया महाराज दे मुख दे विचों आवाज़ आई जिन्हों संतां ने भगतां ने गुरु सामने नाम दा शब्द दा पंज शब्द दा अनहद शब्द दा बारे दर्शाया। हुण इह क्योंकि माता दे मुख दे विचों निकल रही है, जे माता पिता नहीं दिखाई दे रहा बेअंत है, किन्ना क लंबा चौड़ा गिणतियां मिणतियां तो बाहर है, असी मिण भी नहीं सकते क्योंकि साडी सोचनी तो भी बाहर है। इस तरह शब्द है ये लिखण पढ़ दे विच नहीं आ रहा, फिर अपने अंदर विचार आउंदी कि ऐसो जिहा किहड़ा शब्द है जिहड़ा लिखण पढ़ दे विच नहीं आउंदा। धन गुरु नानक देव महाराज पावन बाणी दे विच जपजी शब्दी कर रहे ने, महाराज की कहिंदे ने, कागद कलम न लिखणहार मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। साडे मन इस नाम दे नाल लिब टुटी है, साडे मन दी साडी सुर दी इस नाम नाल लिब टुटी है, क्योंकि इस माता दे गर्भ च यही नाम चलदा है। इहनू अनहद नाम कहिंदे ने, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना पाई, आले दुआले नाम दा रख्या चक्कर बनिया हुंदा है, ते इह नाम फिर उत्थे माता दे गर्भ साडी रख्या चक्कर द्वारा मदद करता है, रख्या करता है। गुर का शब्द रखवारे चौगी चौगिरद हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा। हुण इस नाम नूं बुझण वास्ते सानू फिर सतगुरु की शरण में जाना ही पैना है, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की शरण में फिर बेनती करनी पैनी, सच्चे पातशाह नाम की बख्शिश करो, नाम की कृपा करो। तो सच्चे पातशाह कहिंदे ने भाई कोई नाम किसी नूं दे नहीं सकता, अज इस तरह आपां वेखदे हां कोई दो अखर का कोई तीन अखर का कोई चार अखर का नाम दे रहा है ना लिख के, पर महाराज तो असी पुछना महाराज कोई नाम दे सकता है, तो महाराज की कहिंदे ने, मर्ग त्रिग तिना का जीवे आ जो लिख लिख बेचे ना, कोई नाम लिखण पढ़ दे विच आउंदा ही नहीं, ये तो मालिक दे मुख की आवाज़ है। हाँ जो सच्चे पातशाह कृपा करनगे सतगुरु की शरण में जावांगे बेनती करांगे सतगुरु साडे ते खुश होणगे, सतगुरु सिख को नाम तन दे गुर का सिख बड़ भागी है। जो भरम का पर्दा पासे किया जाएगा सच दे सन्मुख किया जाएगा फिर सानू ये नाम की प्राप्ति होएगी। ये उही नाम है जिस नाम दे विच सुभा के साडा जन्म मरण खंडन होना है, जो आपां कीर्तन सोहला साहिब बाणी दे विच पढ़दे हाँ, हर जन हर हर
नाम समाणे दुख जन्म मरण पवखंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहुसोवखंड ब्रह्मंडा हे। इस नाम के सुरत जो समावेगी गुरशब्द द्वारा, पहला गुरशब्द द्वारा त्रैगुणा तो अतीत होवांगे, भव सावर नूं पार करांगे, अगे नाम का बेड़ा है। इस नाम के बेड़े के जो सुरत समा गई तो फिर आपां साडा जिहड़ा जन्म मरण है वह खंडन हो जाएगा, क्योंकि शब्द जिथों उपज रहा है, जिथों निकल रहा है, ये उहदे विचे लीन हो रहा है। तो महाराज पावन बचन की करते हैं गुरबाणी के विच, सचे पातशाह कहिंदे शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता। हुण परमात्मा शब्द राही बोलते ने, साडी सुरत ने साडी सरबणा दे विच आपणे जदों सुरत आवेगी, जदों गुरशब्द दा अभ्यास करांगे, फिर आपां नूं ये नाम सुनाई देवेगा। हुण ये नाम प्राप्त करन वास्ते सतगुरु दी शरण विच जाणा पैंदा है, गुरु दी शरण विच जाणा पैंदा है, बेनती तरले जोदड़ियां करनियां बेनतियां ने, कृपा करो सच्चे पातशाह नाम बख्शिश करो। इस नाम नाल साडी लिप टुटदी है। हुण ये नाम जिहड़ा लिखण पढ़न दे विच नहीं आउंदा, ये सारयां दे अंदर मौजूद है। महाराज पावन बचन बाणी विच की करदे ने, नौ नित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। ये सारयां दे देहां दे अंदर, शरीरां दे अंदर मौजूद है, दसम द्वार विच मौजूद है। वह संसार ते इहो जिहे कि ने, जां जिथे सच है उत्थे नाम भी होवेगा, जिथे पिता जी ने उत्थे पिता दी आवाज़ भी होवेगी। संसार ते इहो जिहे इक थां ने जिथे ब्रह्म सच वाहिगुरू पिता जी नहीं ने, ते उत्थे नाम भी है। सारे थां नाम बिन नाम है ना ही कोई थां, कोई थां नहीं हैगी, सारे थाई परमात्मा दा नाम है। पर सुन वास्ते सानू अपने अंतर्गत जाना पैंदा है, शब्द द्वारा, जो शब्द द्वारा गुरशब्द द्वारा असीं अपने अंतर्गत जावांगे, त्रैगुणा तो तीत होवांगे, मन अपने मूल ते जाएगा, फिर वह नाम जिहड़ा है प्रगट होएगा। तो वह नाम की निशानी है कि किस तरह का प्रगट हुंदा है। कर कर ताल पखाब जनैनो, माथे बजे रबाबा, कन्नो मंद बांसुरी बाजे, जीभा धुन अगाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने घुन कर साजा, मेरे राम को नृतकारी। जिस तरह घड़ियाल की आवाज़, शंख की आवाज़, टलियाँ की आवाज़, चिड़ी चहक रही है वो आवाज़, बदल गज रहे ने वो आवाज़, जे इस तरह दी आवाज़ां जिहड़ियां ने जो सिमरन करते हाँ, गुरशब्द अभ्यास करते हाँ, प्रगट हो रही अत भाग साढ़े चंगे ने कि सच्चे पातशाह ने साढ़े ते कृपा कर दिती है, वो नाम सानू सुनाई दिता है। हुण आपां तां ही कहिंदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह दे एक बिंदी पुत्र ने, एक नादी पुत्र ने। बिंदी पुत्र वह हुंदे ने जिहड़े बिंद द्वारा पैदा हुंदे ने, नादी पुत्र वह ने जिहड़े नाद द्वारा पैदा हुंदे ने, क्योंकि साडा नाद तो ही संबंध टुटा ही, तो गुरु साहब सानू फिर नाद नाल जोड़दे ने। नाद अनहद नाद, यह नाद परमेश्वर के मुख दे विचों निकल रहा है। जो असीं गुरु की शरण विच जावांगे, गुरु सानू भरम का पर्दा पासे करके नाद नाल जोड़ेगा। होए कृपाल गुर लायो पार दो, मिलो लाल मन हरिया। तो जिहनूं पावन बचन महाराज गुरबाणी विच कहिंदे ने कि जदों सच्चे पातशाह ने कृपा करनी है, फिर सानू नाद नाल जोड़ना है, तो नाल ही साढ़े मूल दे नाल भी जोड़नगे। ये तुहाडा माता पिता है, ये सच है, ये नाम है। जो नाद नाल जुड़ गया उस आपां कहिंदे गुरु दे नादी पुत्तर हो गया सी। इस नाद दे नाल साडा संबंध टुटा है, जो सचखंड दे विच नाद द्वारा ही अपने माता पिता नूं दे कोल जावांगे। ये आपां जब जी फिर अगे पढ़ते हाँ आनंद साहब की बाणी, पंच शब्द कर सुभागे, कर सुभागे शब्द बाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत अरवास कीते काल कंठ कुमारिया, तुर कर्म पाया तो जगस नाम हर के लागे, कह नंग तैं सुखवा तित कर अन हद बाजे। जदों असी गुरशब्द अभ्यास करते हाँ तो अंतर्गत बहुत सारे बाजा, बहुत सारे बाजे बजने शुरू हो जाते हैं, तो नाद प्रगट हो जाता है। ये सारा खेड ही सानू गुरबाणी दे शब्दों विच दर्शाया गया है। इहनू बुझना है, बुझ के अपने मूल नाल मिलना है। इत्थों ही साडा संबंध टुटा है, इत्थों ही लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया मर बरताया। इस नाम दे नाल साडी दसम द्वार चों लिव जुड़ी हुई सी अपने मूल दे नाल, सच दे नाल, माता दे गर्भ च इत्थों ही नाम दे नाल लिव टुटदी है। ये सतगुरु की कृपा दे नाल ये सच दा भेद उहनां नूं ही आउंदा है जिन्हां ते गुरु साहिब कृपा करदे ने। सो गुर करो जे साच तड़ावै,
तत् कथावै शब्द मिलावै। गुरु वो है जिहड़ा सच ना मिलावे नाम दे नाल जोड़ दे। नहीं तो मारे पावन बचन बाणी का माए मुंडो तै गुर की जैते भरम ना जाता आप डुबे चौबे दमे चेले दिए बहाए। उस गुरु की मां का सिर मुंदे हो जिन्हें तुहाडे तुहानूं ना नाम दे नाल जोड़िया ना दे नाल ना सच ना जोड़िया। गुरु उही है जिहड़ा अंदरों आप जुड़िया होवे सच ना नाम दे नाल वो फिर तुहानूं भी नाम दे नाल ते सच दे नाल जोड़ेगा। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी सानूं नाम दे नाल ते सच नाल जोड़ रही है। आपां होधर किते भटकणा नहीं है। सो सिर्फ धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे नाल जुड़ के संतां महापुरशां दी संगत करके जिहड़े संत जन इस कथ कहानी नूं प्रगट करते हैं संगत दे विच ते जो प्रगट करते हैं संगत ने सुन के अभ्यास करके उस कथ कहानी का मूल भेद लैके अपने मूल दे नाल मिलना हुंदा है। एक संतां दी ड्यूटी है महाराज ने लाई हुई अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी संतां दे हथ ए कुंजी दित्ती हुई है। आवो संत प्यारियो कथ की करे कहानी कथ केरी के द्वारे पाई है। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने पाई है। हुक्म मनना पैना है जदों आपा समर्पण करना पैना है। अपनी मर्जी नहीं चलनी। जे तो अपनी मर्जी करांगे ना तो नाम ते पहुँचांगे ते ना सच ते पहुँच सकते। इत्थे गुरु दी मननी है आपां सीस गुरु नूं झुका के अर्पण कर देना है। सामत दियो दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम सच्चे पातशाह मैं थोड़ी मत वाला हाँ कृपा करके आप सोझी को आ आपां समर्पण करना ही पैना है। ना चतराई दे नाल ना सियाणप दे नाल इत्थे तां हथ जोड़ के बेनती करनी महाराज मैनू नाम दा अपने मूल दा भेद नहीं कृपा करो। फिर साडे ते सच्चे पातशाह कृपा करनगे क्योंकि प्यार दी अवस्था बचा के करना होमे हंकार दी नहीं ज्ञान दी अवस्था च नहीं प्यार दी भाव रख के गुरु दा भै रख के भाव नहीं रख के प्रेम दे विच बेनती करनी महाराज मनस जामा मिलिया है हुण कृपा कर दिओ बहुत युग हो गए विछड़िया नूं हुण अपने मूल दे नाल नाम दे नाल मिला दिओ ते फिर महाराज कृपा कर देणगे। तां प्रतक हाजर नाजर ने महाराज तां किते दूर गए नहीं हर वेले साडे नाल दुकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे सदा अंग संगे सदा ही साडे अंग संग सदा अंग संगे अभंगंग विभूते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बचन ने वो सदा ही साडे नाल है। तो इनाम भी साडे नाल है सच माता पिता भी साडे नाल है। भेद उन्होंने जिहड़ा होमे हंकार तो उपर उठ के आपा समर्पण करनगे बेनतियां करनगे उन्होंने नाम का भेद भी देणगे महाराज फिर सच का भेद भी देणगे।